आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। इसमें क्या कह रहे हैं कि यादृच्छिक चर x का प्रायिकता वितरण निम्नलिखित है और हमें क्या दिया है, x का मान है 0, 1 और 2 और उससे जुड़ी हुई प्रायिकता का मान है 3c³ - 4c - 10c² और 5c - 1 और उन्होंने कहा है जहाँ c बड़ा है 0 से, तो ज्ञात कीजिए p एक x का मान है 1 और 2 के बीच में, इससे जुड़ी हुई प्रायिकता बताइए। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें c का मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए सब प्रायिकता बंटन में सभी प्रायिकताओं का जो योगफल होता है उसका मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो भी जितनी भी प्रायिकताएँ दी गई हैं इन सब का योगफल 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 3c³ + 4c - 10c² और प्लस का 5c - 1 बराबर कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, 3c³ - 10c² और 5c और 4c कितना हो जाएगा, 9c और माइनस का 1 और ये वाला 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें c का मान निकालना पड़ेगा। अब c का मान क्या होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर c बराबर 1 रख कर देखता हूँ। तो c बराबर 1 रख के देखने से क्या होगा, देखिए अब देखिए उन्होंने क्या कहा है कि c का मान 0 से बड़ा है, तो c का मान मैं 0 से बड़ा ही रखूँगा, यानी कि c बराबर मैं सबसे पहले 1 रख के देखता हूँ, क्या पता उससे मेरा 0 आ जाए। तो जब c बराबर मैं 1 रखूँगा ये कितना आएगा, 3 1 - 10 1 और प्लस का 9 1 - 2। अब देखिए ये किसके बराबर है, क्या ये 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3 - 10 + 9 - 2। तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3 - 10 यानी -7 और 9 में से 2 गया तो ये कितना आ गया, +7 यानी ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब c बराबर 1, ये हमारा मान सही है। ठीक है, तो c बराबर 1 सही है हमारा जो हमने रखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ये यहाँ पर जो इन्होंने हमसे मान कहा है निकालने के लिए, ये अब हम ये निकालते हैं। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, ये जो इन्होंने हमसे कहा है 1 x और 2 के बीच में, तो ऐसा मान क्या है यहाँ पर कि जो x जो है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ज़रा बताइए यहाँ पर क्या है, इसमें x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ऐसा कोई मान ही नहीं है यहाँ पर। देखिए ना यहाँ पर x का मान क्या है, 1 और 2, उसके बीच में x का मान है 1 और 2 के बीच में, बराबर तो उन्होंने कहा ही नहीं है, ना 1 के बराबर ना 2 के बराबर, तो ये हम इसका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे इसके लिए, चूँकि x का मान किसके किसके बीच में, 1 व 2 के बीच में संभव नहीं है, संभव नहीं है किसमें, दिए गए प्रायिकता बंटन में, दिए गए प्रायिकता बंटन में। ठीक है, अतः या कह सकते हैं इसलिए हम p 1 बड़ा है और 2 से कम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।